बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर की 98वीं जयंती पूरे धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सूबे में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। किशनगंज में भी राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ताओं ने जननायक को याद किया है। इस खास मौके पर जेडीयू जिला कार्यालय में भी कार्यक्रम आयोजित कर कर्पूरी ठाकुर को याद किया गया, जिसमें जेडीयू जिला अध्यक्ष नौशाद आलम और प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद आलम शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व सीएम की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। गौरतलब है कि कर्पूरी ठाकुर एक मामूली से होने के बावजूद भी दो बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने दलितों, वंचितों और पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने के लिए अपने कार्यकाल में बेहतर कार्य किया। यही कारण है कि लोग उन्हें जननायक कहते हैं। आज जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है 24 जनवरी को। आज उसी के उपलक्ष्य में जनता दल यूनाइटेड परिवार द्वारा प्रदेश से लेकर प्रखंड स्तर तक सभी जगह उनके जो है पंचायत तक में उनके किशनगंज के दिगल बैंक में भूमि अधिग्रहण के मामले को लेकर ग्रामीणों के हंगामे के बाद प्रशासन की आंखें खुल गई हैं। रैयतों की समस्या को दूर करने को लेकर जिला प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है। इस सिलसिले में एसडीएम ने ठाकुरगंज प्रखंड के सूरी भिट्टा का दौरा किया है। यहाँ पर उन्होंने अतिक्रमण और भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों का निपटारा किया है। गौरतलब है कि इंडो नेपाल बॉर्डर रोड के निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण किया गया है, लेकिन मुआवजा नीति स्पष्ट नहीं होने से भूमिदाता परेशान हैं, जिसको लेकर जगह जगह काम रोकने की खबरें मिलती रहती हैं। 1000 करोड़ सरकार की रुपया खर्च हो रही है इसमें। आप सभी सहयोग करेंगे और इसी सहयोग के मद्देनजर आज हम आपको एक दिन पहले भी आकर बात किए थे, आज भी बात कर रहे हैं। यहाँ किसी का मकान नहीं टूटेगा, रोड बनने दें, जो इंक्रोचमेंट में आएगा वही मकान टूटेगा और जो इंक्रोचमेंट में आएगा वो टूटेगा तो उसका ये मुआवजा नहीं दे होता है। इसलिए आपसे सरकार उल्टे पैसा वसूलेगी, लेकिन जिस अधिग्रहण जहाँ तक किया गया है और मकान नहीं टूट रहा है तो अभी आपको क्यों चिंता होने। किशनगंज में सर्दी की बेदर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों के वितरण का सिलसिला जारी है। गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए कई सामाजिक संगठन और जिला प्रशासन आगे आए हैं। जमीयते उलमाए हिंद ने भी कंबल का वितरण किया है। ठाकुरगंज प्रखंड के बड़ा सुहागी गांव में गरीब और असहाय लोगों में कंबल बांटे गए हैं। स्थानीय विधायक सऊद असरार के हाथों एक साथ 200 जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटे गए। इस मौके पर जमीयत के सूबाई सदर भी मौजूद रहे। जमीयते उलमाए हिंद हमेशा से असहाय और गरीबों के बीच इसी तरह का सामाजिक कार्य को अंजाम देता आ रहा है।